नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद है आपको जो क्लासेस हैं वो समझ में आ रही होंगी, पसंद आ रही होंगी और आपकी तैयारी एक बेहतर दिशा में चल रही होगी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने मित्र आ गए हैं अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दें। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रॉपरली पढ़ाई अपना स्टार्ट कर देंगे और आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा क्या है, नंबर सिस्टम है। तो उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग राम जी। जितने भी लोग आ गए हैं सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अपने नाम दर्ज कराते हुए चलिए दें। चलो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं संख्या पद्धति। ठीक, या फिर नंबर सिस्टम। ये कहानी शुरुआत होती है नंबर से। किससे शुरुआत होती है? नंबर से। और सब कुछ हमें इसी के इर्द गिर्द पढ़ना होता है। अगर हम परीक्षा के दृष्टि से बात करें तो इस चैप्टर से क्वेश्चंस कब कैसे बन जाए कुछ पता नहीं होता, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो एक तो डिविजिबिलिटी का होता है इस चैप्टर से। अगर आप कोई बेसिक एग्जाम दे रहे हो डिविजिबिलिटी का होता है। LCM, SCF जो इससे थोड़ा सा हटके टॉपिक है बट कई बार इसमें इंक्लूडेड होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से इसमें बनते हैं। श्रवण कुमार जी वेरी वेरी गुड इवनिंग। जितने भी लोग आ गए सभी लोग बताते नहीं हो कौन कौन यहाँ पे हो, ताकि मुझे पता तो चले कौन कौन यहाँ पे इनरोल्ड है, कौन कौन पढ़ रहे हैं, कौन कैसा पढ़ रहा है। जब आपके नाम मैं यहाँ पे जानूंगा, आपके कमेंट में सुनूंगा, आपके तौर तरीके देखूंगा, तभी तो आपको मैं एनालाइज कर पाऊंगा कि आप में कितनी मेहनत बाकी है। तो एक बार बता दिया करिए। अगर कोई ऐसा एग्जाम जहां पे एडवांस लेवल का होता है वहां पे कुछ चैप्टर जैसे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, रिमाइंडर कॉन्सेप्ट, रिमेनिंग रिमाइंडर, जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, ETC, ऐसे भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उसमें नंबर सिस्टम इतना बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ये दोनों चैप्टर है। लेकिन हम चाहे डिविजिबिलिटी की बात करें, चाहे हम LCM SCF की बात करें, चाहे यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, जीरोस, ट्रेलिंग जीरो होता है, इसे ट्रेलिंग जीरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग जीरोस बोलते हैं। सबसे अंत में जो जीरोज हैं उन्हें पता लगाना होता है। ठीक, इनमें से किसी भी टॉपिक की बात करें, या यही नहीं, हम इसके बाद के चैप्टर सिंप्लीफिकेशन की बात करें सरलीकरण की, या हम उसके बाद के चैप्टर की बात करें जैसे अरिथमेटिक में चले जाएं या एलजेब्रा में चले जाएं या ट्रिग्नोमेट्री में चले जाएं, बिना नंबर्स के हम किसी भी चीज का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। और क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ स्पेशल टॉपिक्स पूछता है जो नंबर्स पे डायरेक्टली क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। एक सबसे बड़ा चैप्टर है PNC, जिसे आप लोग बोलते हो क्रमचय एवं संचय, परमुटेशन एवं कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर डायरेक्ट नंबर्स पे डिपेंडेंट होता है। इसको कई जगह आप कई किताबों में क्या पढ़ोगे, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स पढ़ोगे, इनके भी नाम से भी ये चैप्टर बनाया जाता है। दूसरा चैप्टर होता है प्रायिकता, यानी कि क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ये भी जो चैप्टर है ये डायरेक्ट नंबर्स पे होता है, प्रोबेबिलिटी की बात करें। और तीसरा चैप्टर अगर हम यहां पे बात करें APGP, ये तीनों ही चैप्टर जो हैं डायरेक्ट ही नंबर्स पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। इस पे ये ऐसे नहीं, यहां पे ये एरो बना लो तो ज्यादा बेटर है, इस पे डायरेक्ट ही डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपको तमाम टर्मोलॉजीज नहीं पता होंगी, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि किसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रुप डी में दो पेपर होगा, हाँ जैसे यहां पे स्किल होता है बाकी में ग्रुप डी में दो पेपर होगा बागी जी, ठीक है। हाँ, तो ये आपको सारे चैप्टर्स अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, एग्जांपल के लिए आपसे मैं बात करूं कि अगर आप सम संख्या नहीं जानते हो कि क्या है, सम संख्या क्या होती है आप सबको पता है, एक बार मुझे बताते चलो सम संख्या क्या होती है। एक छोटा सा इंट्रो में समझता हुआ चला जाऊंगा कि आपको किस लेवल पे लेके चलना है। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या की परिभाषा बताइए। अगर आपको सम संख्या नहीं पता है और मैं आपसे एक प्रश्न बना दूं, प्रथम 10 सम संख्याओं में का जो औसत है वो 20 है, तो पांचवी सम संख्या कौन सी होगी? अब अगर आपको सम संख्या की डेफिनेशन नहीं पता है तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न भी नहीं लगा पाओगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ कॉन्जिक्यूटिव इवेंट्स नंबर हैं, उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है, 9th टर्म क्या होगा, AP निकालना है इसका, शायद ये भी आप नहीं निकाल पाओगे अगर आपको सम संख्या नहीं पता होगी तो। एक ही दिन होगा? नहीं, एक ही दिन नहीं होगा संजीव जी, एक ही दिन नहीं होगा। ऐसा समझो कि सबका जो पहला पेपर है वो एक ही दिन होगा, वो प्रीलिम्स है, और जिनमें
दूसरा जो है स्किल टेस्ट है उसे मेंस मानो, ऐसे समझो। दो स्टेज में पेपर है, पहले स्टेज में भी रिटन, दूसरे स्टेज में भी रिटन, ठीक है संजीव जी। ग्रुप डी वाले कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बता दूं उनका पैटर्न क्या है। ग्रुप डी वालों का पैटर्न क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका स्टेज वन होगा, स्टेज वन में भी आपका रिटन पेपर होगा 100 क्वेश्चन का। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। और जिस रिजल्ट आने के बाद, जैसे स्टेनो का स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग का स्किल टेस्ट होगा, ड्राइवर का स्किल टेस्ट होगा, ठीक आपका क्या होगा उसी तरह स्टेज टू होगा। लेकिन क्योंकि आपको टाइपिंग नहीं करनी, क्योंकि आपको स्टेनो नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ड्राइवरी नहीं करनी है, आपसे क्या करेगा, स्किल टेस्ट नहीं है, तो स्किल टेस्ट की जगह पे क्या होगा, 100 क्वेश्चन का पेपर दोबारा फिर से होगा। और इसमें करीबन 1 मंथ का गैप होगा, 1 से 2 मंथ का क्या होगा, गैप होगा, बस इतना समझो। बाकी ग्रुप सी में भी स्टेज वन स्टेज टू, ड्राइवर में भी स्टेज वन स्टेज टू, और स्टेनो में भी स्टेज वन स्टेज टू, दोनों अलग अलग रहेंगे, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग जब मैं पब्लिक वीडियो बनाता हूं ना तब पूछा करो, वहां पे कमेंट में पूछ लिया करो, उसका उत्तर दे दिया करूंगा। क्लास में पढ़ाने में थोड़ा पढ़ो एकदम जबरदस्त पढ़ो, बाकी सारी चिंताएं छोड़ दो। अब जब मैं आपके सामने हूं तो आपकी चिंता आपकी नहीं, आपकी चिंता मेरी है, मुझे चिंता करने दीजिए। आप शांत बैठे केवल पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जितना मन हो सके उतना पढ़िए। तो सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, अभी मैं पूछूं आपसे अभाज्य संख्या क्या है, ये मैं आपसे पूछूं सह अभाज्य क्या है, बताओ सह अभाज्य संख्या क्या है, जिसको भी पता हो, को प्राइम, सही गलत कुछ भी बोलते चलो। यहाँ पे कोई आपका चाचा मामा नहीं बैठा है, यहाँ पे कोई आपका दूर का रिश्तेदार भी नहीं बैठा है, बोलेगा हाँ आपको नहीं आता, बिल्कुल नहीं, मैं हूं बिल्कुल आपके दोस्त की तरह हूं, जो मन में है टपाक से बोलो, बस मुंह खोलो, आपको बताना है, क्योंकि बोलोगे नहीं तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि आपका स्तर क्या है, आपको पढ़ाना क्या है, आपको किस लेवल पे तैयार करना है। ये मेरी स्ट्रेटेजी खुद नहीं बन पाएगी, मेरी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपका बोलना आवश्यक है। तो को प्राइम नंबर क्या होता है मुझे बताओ, इन सब पे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी मैं आपसे पूछूं परिमेय संख्या क्या होती है, क्या होती है रेशनल नंबर, क्या होता है इरेशनल नंबर, क्या होता है अपरिमेय संख्या क्या होती है। अभी मैं पूछूं शांत दशमलव क्या होता है, तो शायद ये सारे कुछ बच्चे अभी ये पहले पहले टर्मोलॉजी पढ़ रहे होंगे, और इन्हीं के बारे में आज की क्लास में हमें पढ़ना है, ठीक है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। और ये जो विभिन्न परिभाषा होती है, विभिन्न जो परिभाषा होती है, जिसे आप क्या बोलते हो डेफिनेशन, क्या बोलते हो, जिन्हें आप डेफिनेशन बोलते हो, या फिर आप क्या बोलते हो परिभाषा हिंदी में बोलते हो, या टर्मिनोलॉजीज बोलते हो, यही तो है, यही तो है क्लासिफिकेशन टर्मिनोलॉजीज, यही ये क्या है, ये सब कुछ किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब कुछ आपके आते हैं क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। यानी आप क्या पढ़ोगे, पहले चैप्टर में आप पढ़ोगे वर्गीकरण, क्या पढ़ोगे वर्गीकरण पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, किसका क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, नंबर्स का क्लासिफिकेशन, किसका पढ़ोगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ोगे, ठीक, संख्याओं का। लेकिन इनका क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले जब हम परिभाषा की बात करते हैं, जब हम टर्मोलॉजीज की बात करते हैं, तो मुझे बताओ संख्या क्या होती है, संख्या क्या होती है, दो शब्द होते हैं। स्टेनोग्राफी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मुझे मैथ्स के बारे में नहीं पता कुछ, बिल्कुल सारी चिंता छोड़ दीजिए मानसी जी, आपके सामने मैं खड़ा हूं और जब तक जिंदा हूं तब तक आपको परेशान नहीं होना है। बेसिक से ही लेके चलेंगे, एकदम जीरो से लेके चलेंगे हीरो लेवल तक। लेवल जो आपका होगा मैं पहले ही बता दूंगा, आपका जीरो टू हीरो लेवल होगा, ठीक है। ये सभी लोग, मैं सबको मान के चलूंगा, आप कहीं से भी पढ़ के आओ, कितना तुर्रम खाओ, मुझे पता है कि आप हो अभी जीरो ही, और मैं आपको जीरो ही मान के चलूंगा, और आपको हीरो बनाने का प्रयास मैं पूरा करूंगा, और हीरो बना के ही दम लूंगा, ठीक है। तो नंबर्स क्या होती है, नंबर्स पढ़ने से पहले हमें एक चीज समझना होता है कि न्यूमरल्स क्या होते हैं। तो नंबर्स और न्यूमरल्स में बेसिक सा डिफरेंस ये होता है, संख्या और न्यूमरल, न्यूमरल्स जो होती है वो डिजिट होती है, क्या होती है डिजिट होती है, जिन्हें अंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंक बोलते हैं। और हमारे गणित में जो बेसिक अंक अभी तक खोजबीन के आए हैं वो 0 से 9 है, यानी कुल कितने हैं, कुल 10 अंक ही हैं। कुल कितने अंक हैं, कुल 10 अंक हैं, ये ध्यान देना, हमारे गणित में कितने अंक हैं, कुल 10 अंक हैं, इससे ज्यादा अंक नहीं है। मुझे पता है आप सभी की मैथ वीक है, लेकिन मेरी तो तेज है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं आपकी मैथ स्ट्रांग करवा दूंगा, पूरा कॉपी पेस्ट करवा दूंगा।
अंक हमारे पास केवल 10 है, लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करें, अगर हम क्या बात करें, अगर हम संख्याओं की बात करें, तो वो विभिन्न न्यूमरल्स को, विभिन्न अंकों को, विभिन्न डिजिट का प्रयोग करके हम कई सारे संख्या को बना सकते हैं, और ये संख्या ही अपने आप में क्या होते हैं, असंख्य होते हैं। क्या होते हैं? असंख्य होते हैं, मतलब इनका कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं होता है। भाई मैं एक और दो का बनाऊं तो 12 बना सकता हूं, मैं 21 बना सकता हूं, मैं 2 1 4 3 2 6 7 9 0 1 0 7 इतनी बड़ी संख्या बना दूं। ये सब क्या है? ये संख्या ही तो है। किनके प्रयोग से बने हैं? अंक से बने हैं, जो केवल 0 से 9 के बीच में है। मतलब आपके पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। और अगर ये पता नहीं होगा तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ पाओगे। मैं पहले ही बता दूं, अगर आपको ये नहीं पता है आपके पास अंक कितने हैं, कितने अंक हैं आपकी गणित में, 10 अंक हैं। 10 कौन से हैं? 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पहला है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद 10, मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, 10 नहीं है, 9 तक है, तो 5 5 10 आपके पास टोटल अंक होंगे, 10 तक नहीं जाना है। तो 10 अंक हैं, और इन्हीं 10 अंक से कितनी संख्या बना सकते हो? आप असंख्य संख्या बना सकते हो। जैसे मैंने परम्यूटेशन का नाम क्यों लिया, समझो, एक एग्जांपल के लिए आपको समझाऊंगा, बहुत ज्यादा इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं क्रमचय संचय का क्यों इसमें प्रयोग होता है वो बताया हूं। मैं बोलूं कि कोई 4 अंक की संख्या है, कोई 4 अंक की संख्या है, और आपके पास 0 से 9, आप 4 अंक के कुल कितने, 4 अंक के कुल कितने संख्या बना सकते हो अगर आप एक ही अंक को दो बार प्रयोग ना करो। तो 4 अंक की संख्या बनाने के लिए यहां पे आपके पास टोटल कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। ध्यान देना, आपके पास 10 अंक हैं, यहां पे 10 आ सकते हैं, एक आ गया तो यहां पे 9 आएगा, एक आ गया तो यहां पे 8 आ गया, और एक आ गया तो यहां पे क्या आ गया, 7 आ गया। बस 10 9 8 7 इन्हीं का गुणा कर दोगे, इतनी संख्या आपकी टोटल बनेगी। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होता है जो लोग बहुत टफ मानते हैं, बट आपको परेशान नहीं होना है, मैं सारी चीजें आपको समझाता हुआ चल रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि न्यूमरल्स और संख्याओं में अंतर समझो। अब जब इन अंकों का खोज हो गया, इनसे संख्याएं बन गई, तो संख्याओं का प्रयोग हमें उसकी जरूरत पड़ी, तो मुझे कौन बताएगा कि संख्याओं की सबसे पहले जरूरत कहां पर पड़ी? संख्याओं की जो बेसिक जरूरत है, एकदम बहुत पुराने जमाने में जाए, इतिहास नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिठाएंगे कि संख्याओं की जो जरूरत पड़ी वो शायद हमें काउंट करने के लिए पड़ी, शायद हमें काउंटिंग के लिए पड़ी। कोई वस्तु जब एक से ज्यादा 2 3 4 10 12 20 हुए तो हमें उंगली रख रख के गिनना पड़ा कि इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, और उनको एक नाम देने के लिए हमने 1 2 3 4 5 ऐसा बोलना शुरू किया। तो ये जो संख्याएं हैं ये अल्टीमेटली किस में हेल्प करती हैं? काउंटिंग में हेल्प करती है। बस इतनी सी बात जानिए, काउंटिंग में हेल्प करती है, और यहीं से आपकी आगे चल के प्राकृतिक संख्या निकल के आएगी, क्योंकि उसे काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे जैसे आपका गणित में खोज होती गई, जैसे जैसे गणितज्ञ लोग मैथ्स का यूज करते गए, वैसे वैसे संख्याओं को वो क्या करते गए, बनाते गए अपने सुविधा अनुसार। गणित और फिजिक्स, ये दो विषय है जो आपके जीवन को एकदम बदल दिए, गणित और फिजिक्स। फिजिक्स मतलब भौतिकी। ये दो ऐसे विषय हैं जो एकदम आपके जीवन को बदल दिए, पूरे जीवन को बदलने में, इस पूरे दुनिया, इस सृष्टि की रचना करने में सब कुछ क्या है, फिजिक्स। आपके इर्द गिर्द जो भी सारी चीजें दिख रही हैं वो साइंस का केवल एक स्ट्रीम, वो क्या है, फिजिक्स। उसे बाद में हम केमिस्ट्री भी बोल दिए, बाद में बायो भी बोल दिए अपने वर्गीकरण के लिए, बट सबसे पहले अगर जीवन में कुछ आया तो वो आया फिजिक्स। अगर फिजिक्स ना आता तो शायद बायो ना आता, और बायो ना आता तो शायद केमिस्ट्री ना आती, ये बात आप समझना। और ये दुनिया में आपके जितने भी फिजिक्स लग रहे हैं, जितने भी फिजिक्स लग रहे हैं भाई, न्यूटन का नियम हर जगह लग रहा है, फ्लूइड मोशन का नियम हर जगह लग रहा है, शुद्ध गति की हर जगह लग रहा है, गैसों का नियम, काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ गैसेस हर जगह लग रहा है, आगे जाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म हर जगह लग रहा है, रे ऑप्टिक्स में जाओगे लाइट, ये फोटोन हर जगह पढ़ोगे, और ऊपर जाओगे सेमीकंडक्टर पढ़ोगे, और ऊपर जाओगे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, और ऊपर जाओगे इंजीनियरिंग पढ़ोगे, और ऊपर जाओगे साइंटिस्ट का कुछ पढ़ोगे, तो सब कुछ आपका क्या है, फिजिक्स है। और इस फिजिक्स को प्रूफ करने के लिए आवश्यकता पड़ी किसकी, इस फिजिक्स को हर चप्पे चप्पे पे, कि क्या ये जो मैं सोच रहा हूं, जो पहले क्या वैज्ञानिक जो थे वो क्या भौतिक वैज्ञानिक थे, और वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए किसकी सहायता लिए, गणितज्ञ की सहायता लिए, गणित की खोज, उनको प्रूफ करने के लिए फिजिक्स के डिफरेंट नियम को
प्रूफ करने के लिए मैथ्स का रोल आता है। तो ऐसे ही जैसे जैसे मैथ्स आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे ही इनके न्यूमरल्स, इनके नंबर्स क्या हो गए, डेवलप होते चले गए। और यहां पे जब इतने सारे हो गए तो हमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ी क्या, क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो अगर हम नंबर्स की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, संख्याओं की बात करें, तो देखो गणितज्ञों ने कैसे इनको तोड़ा, गणितज्ञ लोगों ने इनको कैसे तोड़ा, बोले नंबर्स आपके कोई भी हो, नंबर्स जो है कोई भी हो, नंबर्स को हम कितने फॉर्म में तोड़ सकते हैं, देख सकते हैं, दो फॉर्म में देख सकते हैं। एक ऐसी संख्या जो क्या हो, वास्तविक हो, जो क्या हो, वास्तविक हो। वास्तविक मतलब क्या, वास्तविक मतलब क्या, जो रियल हो। कैसी संख्या हो, रियल नंबर हो, रियल नंबर हो जो वास्तविक हो। और दूसरी संख्या बोले कि ये क्या है, इमेजिनरी है। क्या है, इमेजिनरी है, इसे क्या बोले, काल्पनिक बोले। ठीक, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करिएगा। तो एक तरफ उन्होंने क्या बोला, वास्तविक बोला, एक तरफ क्या बोले, काल्पनिक बोले। अब किसको वास्तविक बोले, किसको काल्पनिक बोले, इसके लिए उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया। क्या, सुन लो, नंबर लाइन। बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं जानते होंगे, नंबर लाइन किसको डिफाइन किया, नंबर लाइन को डिफाइन किए। मैं नंबर लाइन को बच्चों थोड़ा यहां पर डिफाइन करूंगा। नंबर लाइन क्या होता है, साइड में, यहां पर मैं डिफाइन कर रहा हूं, इसे थोड़ा सा खिसका दे रहा हूं, दिख रहा है सभी आपको, बोर्ड दिख रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है वरना आप समझ नहीं पाओगे। हाँ, नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन, नंबर मतलब संख्या, लाइन मतलब रेखा, तो ऐसी रेखा जो संख्याओं से बनी हो। उन्होंने बोला कोई अगर संख्या में नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेता हूं तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। कोई भी संख्या अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेता हूं, दर्शा देता हूं, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। अब आप सोचोगे नंबर लाइन है क्या, नंबर लाइन और कुछ नहीं, यहां पे बनाता हूं। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके बीच में क्या होता है, जीरो। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके बीच में जीरो होता है, और एक तरफ हम जब बढ़ते हैं दाहिनी तरफ तो उसे बोलते हैं आरएचएस, और जब बाईं तरफ बढ़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। क्या बोलते हैं, आरएचएस और एलएचएस, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, कैसे बढ़ेंगे, यहां पे वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, सिक्स होगा, और ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसे हम रे से डिनोट करेंगे, ये कहां तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इंफिनिटी का भी अपना बहुत बड़ा रोल है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी समझो ये वाला सिंबल क्या होता है, ये सिंबल किसका होता है, इंफिनिटी का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, इंफिनिटी का सिंबल होता है, जिसे क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ऐसे ही अगर हम बाईं तरफ बढ़ने लगे तो भी हमें सेम संख्याएं मिलेगी, लेकिन इनका प्रतिबिंब मिलेगा, और उसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, माइनस से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, माइनस से डिनोट करेंगे, और उसे बोलेंगे माइनस इंफिनिटी। तो इस नंबर लाइन पे समझना, इस नंबर लाइन पे, ये मैं थोड़ा जूम करके आपको और दिखा रहा हूं, इस नंबर लाइन पे अगर हम कोई चीज प्लॉट कर लेते हैं तो वो वास्तविक संख्या होगी। जैसे आप ये देखो, अगर मैं बोलूं कि ये एक है, ये एक है, तो बोलोगे हां सर हमने प्लॉट कर लिया। ये मैं बोलूं दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है, तो ये सारी संख्या यहां पे दिख रही है, ये वास्तविक संख्या है। मैं बोलूं अगर 0.1 प्लॉट करना हो तो मैं इसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दूंगा, ये क्या हो जाएगा 0.1। और जूम करूं, ये देखो, अगर मैं इसे और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता तो ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ऐसे से बढ़ता चला जाता। मुझे 2.5 करना होता तो 2.5 कहीं यहां पे आता, मुझे अगर 3.2 करना होता तो 3.2 यहां पे कहीं आता। इसका मतलब इस संख्याओं को भी मैं क्या कर ले रहा हूं, प्लॉट कर ले रहा हूं, प्लॉट कर ले रहा हूं कि नहीं कर ले रहा हूं। तो जब मैं ये संख्याएं भी प्लॉट कर ले रहा हूं तो इसका मतलब कि ये भी वास्तविक संख्या हो गई। इवन हम अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फोर, आगे कई जगह जब आप पढ़ोगे तो ये समस्या आएगी कि अंडर रूट टू को प्लॉट कर सकते हैं अंडर रूट, क्योंकि कुछ लोगों को मानना है कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन हम इसे कर सकते हैं।
इसे कर सकते हैं, इसको भी हम यहां पे क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो अंडर रूट फाइव को प्लॉट करना हो, तो अंडर रूट फाइव के लिए हम एक ट्रायंगल बनाए जिसकी क्या है, जिसका एक हाइट वन हो और बेस क्या हो टू, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा अंडर रूट फाइव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप हाइट क्या लो, वन लो, हाइट वन लो, ये लो, मैं हाइट वन लिया और बेस टू लिया, मतलब ये कोई नंबर होगा, ये यहां पे जो संख्या आएगी इसका, इसका क्या कर लो, इसे नीचे लेके आओ, यहां पे जो संख्या होगी ये क्या होगी अंडर रूट फाइव होगी, ये संख्या अंडर रूट फाइव होगी, हम इसे भी प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन बहुत आते हैं आपके चैनल के, और बाकी बच्चों को परेशानी ये रहती है कि नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, नोटिफिकेशन तो जरूरी है यार, देख लिया करो, कई बार जरूरी चीजें आपको आ जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये सारी संख्याएं जो नंबर लाइन पे हम लोग प्लॉट कर पाए वो क्या कहलाती हैं, वो हमारी रियल नंबर कहलाती है, क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ऐसी सारी संख्याएं जो जो रियल जो नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर पाए वो सारी क्या होती हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या हो गया, डेफिनेशन आप चाहो तो लिख लो, या आपको पीडीएफ दे दी जाएगी तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बाकी बोर्ड ये वाला पीडीएफ आपको दे ही दूंगा। अच्छा, ऐसी सारी संख्याएं जो नंबर लाइन पे प्लॉट ना की जा सके, ऐसी सारी संख्याएं जो नंबर लाइन पे प्लॉट ना की जा सके वो क्या कहलाएंगी, वो काल्पनिक संख्या कहलाएगी, वो वास्तविक नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये केवल कल्पना मात्र है। जैसे मैं बोलूं 2 प्लस 3i, ये काल्पनिक संख्या है, जिसमें 2 तो क्या, इसमें 2 तो रियल नंबर है, लेकिन जो 3i लिखा है इसमें जो i है, इसमें जो i है ये क्या है, ये इमेजिनरी है। ये क्या है, इमेजिनरी है। क्यों इमेजिनरी है, इसको भी मैं आपको बताता हूं। इस पूरी ही संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। ये आप आगे चल के पढ़ोगे, बस आप इतना समझो। कोई और बैच होता तो मैं उसमें बोलता कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आप में पूछा जाएगा। हाँ, ग्रुप डी वालों को इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर के लिए अपना आंख कान बंद कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, या पढ़ लोगे भी तो कोई बुरा नहीं जाएगा, बट इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब आ रहे हैं बात हम किसकी, इमेजिनरी नंबर की। आय की जो वैल्यू होती है, आय की वैल्यू जानने से पहले आप समझो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चों -1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। और गणित कहता है, गणित कहता है किसी भी चीज का अगर वर्ग कर दिए, सुन लेना बहुत ध्यान से, आगे बहुत काम आएगा, किसी भी चीज का अगर वर्ग कर दिए, उसका स्क्वायर ले लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो संख्या सदैव धनात्मक होगी, सदैव पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको, ऑलवेज आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल -1 का स्क्वायर करो जरा, क्या होता है -1 × -1, -1 का गुणा क्या हो जाएगा +1, -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा +4, -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा +9, -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा +16। हमेशा अगर किसी भी चीज का स्क्वायर कर दोगे तो वो माइनस जो होगा वो 2 बार गुणा हो जाएगा, और -2 बार गुणा होकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जानते हो कि नहीं जानते हो, ये आपको पता होनी चाहिए बेसिक बेसिक चीज। अगर माइनस गुणे माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर माइनस गुणे प्लस कर दोगे तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस कर दोगे मतलब 2 माइनस को अगर जोड़ दोगे तो क्या आएगा, जुड़ जाएगा लेकिन 2 माइनस आ जाएगा। ठीक, माइनस का 2 बार आ जाएगा, ऐसे लिख लो। अगर -1 + -1 कर दोगे तो यह क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और अगर +1 × +1 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 2 ही आएगा। और एक प्लस हो एक माइनस हो, +1 + -1 कर दो तो क्या आ जाएगा, ये दोनों घट जाएंगे यानी 0 आ जाएगा। तो ये आपको बेसिक प्रॉपर्टी जोड़ घटाने का आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज है। चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी भी चीज का अगर आप वर्ग कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन कई बार हमें गणित, कई बार हमें फिजिक्स को प्रूफ करने के लिए, हाँ निकाल लीजिए राम जी, निकाल लीजिए जो जो मटेरियल आपके लगते जा रहे हैं, प्रिंट निकाल सकते हो। जो आई स्क्वायर बराबर क्या है, -1। अब कई बार गणित में, यही मैंने आपको कहानी समझाया था, कहानी क्या समझाया था आपको, कहानी ये समझाया था कि भाई गणित फिजिक्स को प्रूफ करने के लिए मैथ आया। देखो, मैं जितनी बातें बोलूंगा सबका अपना एक वजूद होगा, एक भी बात मैं अनर्गल नहीं करूंगा आपके सामने, इस बात का ध्यान देना। तो हर बात, हर बिंदु आपको बहुत ही एकाग्रता के साथ सुनना है।
तो मैंने बोला कि फिजिक्स को प्रूफ करने के लिए मैथ आया, लेकिन कई बार जैसे जैसे क्या हो गया है? खोज होती गई, जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता गया, पहले बिजली भी नहीं थी, बाद में बिजली आई, बिजली को समीकरण समझना पड़ा, हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना पड़ा, हमें किरचॉफ लॉ पढ़ना पड़ा, हमें मैग्नेटिज्म पढ़ना पड़ा, हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ी, हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना पड़ा, अलग अलग चीजें अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में निकालना पड़ा। तो मैथ, सिंपल मैथ वहां पर काम नहीं आई, साइंटिफिक मैथ चलने लगी और कुछ चीजें हम लोग बियॉन्ड रियलिटी के जाके, जो वास्तविकता से हटके कुछ चीजों को अज्यूम करना पड़ा और उसको हम लोग बोले इमेजिनरी नंबर। कुछ जगह हमें प्रूफ करने के लिए माइनस वन की वैल्यू आई लेनी पड़ी, जिसे हमने क्या बोला, आई स्क्वायर बराबर माइनस वन। आई को हम बोलते हैं आयोटा, क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राम जी, क्या हो जाएगा, आई जो होता है इसे क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, आयोटा, ठीक। और आई की जो वैल्यू होती है वो माइनस रूट वन होती है, अंडर रूट के अंदर माइनस होता है। जिस प्रकार किसी भी चीज का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, ठीक उसी प्रकार किसी चीज का भी वर्गमूल धनात्मक ही होता है, उसके अंदर कभी माइनस नहीं आ सकता। लेकिन यहां पे क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, आई बराबर अंडर रूट माइनस वन हो गया, अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया, ये प्रलय हो गया, ये आकाश पाताल एक हो गया, हाहाकार मच गया, तुरंत ही सारे गणितज्ञ आए, रुको रुको थमो थमो, ये वास्तविकता नहीं है, ये एक केवल कल्पना मात्र है। क्या है ये, केवल कल्पना मात्र है जो हम अपने फिजिक्स को अच्छा करने के लिए इसको क्या कर रहे हैं, एक अज्यूम कर रहे हैं। इस कारण से ऐसी सारी संख्याएं जिनके साथ आय लग जाता है वो क्या कहलाती हैं, वो इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं। गॉट इट और नॉट, क्लियर हो गया यहां तक? तो ऐसी सारी संख्याएं जिनके साथ क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा, वो क्या कहलाएंगी, वो इमेजिनरी नंबर कहलाएंगी, वो आय हो गया, टू आय हो गया। ये सारी संख्याएं क्या हैं, ये सारी संख्याएं इमेजिनरी नंबर होती हैं। क्या होती हैं, अवास्तविक संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्या होती है। इन संख्याओं को हम नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद ही मैथ का कंट्राडिक्शन है, ये खुद ही मैथ के खिलाफ है, ये खुद ही बोलते हैं हम मैथ को नहीं मानते, हम अपना साइंटिफिक दुनिया में जिएंगे, ये एक कल्पना मात्र है, ये केवल एक अजम्पशन है। आते हैं तो अब इस चीज को यहीं पे होल्ड कर दो, इसको आगे अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में। कहां पे पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो चैप्टर अलग होगा आपका, अभी हम लोग बेसिक नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं को पढ़ते हुए चलेंगे। तो जब हमने इन सारी संख्याओं को प्लॉट कर लिया तो इन्हें फर्दर हमें तोड़ने की आवश्यकता पड़े, इन्हें फर्दर तोड़ने की आवश्यकता पड़ी। अगर आपने गौर से देखा होगा, नहीं देखे तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं। ये देखो, इस पे हमें कुछ ऐसी संख्या मिल रही है जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जो पूरी पूरी है, पूर्ण रूप से है। कुछ ऐसी भी संख्या मिल रही है जैसे 2.5, 3.2, ये भी मिल रही है, इसका मतलब ये किस में है, दशमलव में है। कुछ ऐसी भी संख्या मिल रही है जो प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है। कुछ ऐसी भी संख्या मिल रही है जो माइनस का क्या है, माइनस का, जो क्या है, माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, ऐसे भी संख्या में मिल रही है। मतलब हमें कुछ संख्या धनात्मक मिल रही है, कुछ संख्या क्या मिल रही है, ऋणात्मक मिल रही है, कुछ पॉजिटिव मिल रही है, कुछ नेगेटिव मिल रही है, कुछ कंक्रीट मिल रहे हैं, पूरे पूरे मिल रहे हैं, कंप्लीट नंबर मिल रहे हैं, कुछ हमें डेसिमल मिल रहा है, 2 और 3 के बीच में 2.5 मिल रहा है, 2.4 मिल रहा है, 2.3 मिल रहा है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं, डेसिमल बोल दिए। तो अगर हम इसे फर्दर क्या करें, क्लासिफाई करें, तो ये हमें कैसे मिले, कुछ ऐसी संख्या मिली जो पूरे पूरे होंगे, उनको हम लोग क्या बोले, उनको हम लोग बोले कि सर जी ये क्या है, ये पूर्णांक है, क्या है, ये पूर्णांक। इन संख्याओं को हम क्या बोले, इन संख्याओं को पूर्णांक बोले, जिन्हें अंग्रेजी में क्या बोले, अंग्रेजी में बोले इंटीजर्स, क्या बोले, इंटीजर्स, जिन्हें किससे डिनोट किए, आई से डिनोट किए, किससे डिनोट किया, आई से डिनोट किया। और कुछ संख्याएं जो हमें मिली वो क्या मिली, कुछ संख्याएं हमें डेसिमल मिली, जिसे हम लोग क्या बोले, दशमलव बोले, जिसे क्या बोले, दशमलव बोले। क्लियर,
दशमलव को भी मैं आगे आपको अलग से समझाऊंगा, ये पूरा न्यूमरल सिस्टम जब समझाऊंगा क्लासिफिकेशन में, एक क्लास में मैं इन सारी चीजों को आपको समझाऊंगा दशमलव के बारे में। अभी आप समझो कि इसे आप क्या बोले, दशमलव बोल। तो दशमलव बोल दो या फिर आप क्या बोल दो इसे, डेसिमल्स बोल दो, डेसिमल नंबर बोल दो, क्योंकि ये दस के उसमें, दस के बेस में कोई चीज होती है तो वो दशमलव संख्या कहलाती है, बस ऐसा समझो। अब क्योंकि हमें कुछ यहां पे धनात्मक पूर्णांक मिले, कुछ ऋणात्मक मिले, तो हम इन्हें फर्दर क्या कर दिए, इन्हें फर्दर क्लासिफाई कर दिए, और इनको क्या बोले, इनको बोले कुछ तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कुछ तो क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और कुछ क्या है निगेटिव इंटीजर्स हैं। मैं इंटीजर यानी पूर्णांक को आई से डिनोट कर रहा हूं, और जहां जहां इसका प्रयोग करूंगा बच्चों, वहां वहां आप समझते जाना कि आई मतलब क्या होता है, आई मतलब पूर्णांक की बात कर रहा हूं, इंटीजर की बात कर रहा हूं। ये वही संख्या है जो वास्तविक का एक रूप है, ये वही संख्या है जो संख्या जो नंबर लाइन पर प्लॉट की गई है, ये वही संख्या है जो आगे चल के आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाली, सबसे ज्यादा परेशान करने वाली संख्या आपको यही है। कैसे? जीरो क्या है? मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया, जीरो क्या है, धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक? अभी तक मैं चिल्ला लिया, अब आप चिल्लाओगे, और नहीं बताओगे तो क्लास यही खत्म कर देंगे, इस क्वेश्चन को बताएंगे नहीं। जीरो क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव इंटीजर? जल्दी से, जीरो क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव इंटीजर? हमने कहा कि नंबर नंबर लाइन पे जीरो के लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 माइनस में, इधर प्लस में, तो जीरो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है? हिंट भी आपको मैं दे दिया, बताओ कौन बताएगा, जीरो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है? पॉजिटिव है, वेरी गुड। मानसी जी कह रही पॉजिटिव, बागेश जी कह रही पॉजिटिव, और कोई, और कोई, एनीबडी एल्स? सुनील सिंह पॉजिटिव, कोई और बोलिए, बोलिए, वेरी गुड। मैक्सिमम 70% 80% क्या 95% बच्चे यही बोल रहे हैं कि पॉजिटिव है, एक बच्चा भी केवल नेगेटिव बोला है, बाकी सभी लोग ये बोल रहे हैं कि पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया, सभी लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव है, लेकिन सुनो थमो, जीरो क्या है, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। जीरो क्या है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। बात समझ में आया? जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि जीरो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जीरो एक ऐसा स्टिकर है, जीरो एक ऐसा कॉलम है जो दो चीजों को डिवाइड कर ले। अगर मैं खुद ही जज बन जाऊं तो मैं गलत या सही हो सकता हूं क्या? नहीं, मैं न्यायप्रिय रहूंगा, जो सही करेगा उसके साथ, जो गलत करेगा उसे गलत बोलूंगा, मैं पक्ष नहीं लूंगा, मैं दोनों लोगों को अलग कर दिया हूं। मैं क्या हूं? मैं जज साहब हूं। जीरो क्या है? जीरो वो जज है जो किसी का पक्षपात नहीं करता, बोलता तुम अपनी साइड जाओ, तुम अपनी साइड जाओ, हम ना तो पॉजिटिव हैं और ना ही हम क्या हैं, निगेटिव। क्लियर? जीरो क्या है? जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, इस बात को ध्यान रखना। यहां पे बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, और परीक्षाओं में कई बार आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए ऐसे प्रश्न बन भी जाते हैं, बहुत बार बने हैं, फिर बन सकते हैं, तो इस चीज के लिए तैयार रहना, या कई जगह आपका क्या हो जाता है, प्रयोग आ जाता है। तो हम इतने बारे में पढ़ लिए, हमने निगेटिव इंटीजर पढ़ लिया, हमने पॉजिटिव इंटीजर पढ़ लिया, हमने जीरो पढ़ लिया। जब हमने पॉजिटिव इंटीजर को फर्दर और पढ़े तो हमें, अच्छा इसका एग्जांपल लिख दो, इसका एग्जांपल लिख दो, -4 -2 -3, थोड़ा क्लियर लिख दे रहा हूं, -4 -3 -1 0 1 3 6, ये सारे क्या है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। दशमलव के एग्जाम्पल लिख लो,
0.2, 0.44, 0.33, 0.25, ये सारे क्या है, ये सब दशमलव के एग्जाम्पल है, आते ये बीच में रह गया था इसलिए मैं लिख दिया छोटा सा, समझ जाना आप लोग, ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं, तो ये क्या हो गया, जीरो ना ही पॉजिटिव हुआ ना ही निगेटिव हुआ, ये तो हमारा सारा सोचना ही बिगाड़ दिया, अभी तक हम पता नहीं क्या समझ बैठे थे, पूरी गणित ही हमारा पलट के रख दिया। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जहां पे अभी हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने की आवश्यकता है। लेट्स, जब जीरो हमें ये समझ में आ गया कि चलो यही सब, ये ना पॉजिटिव हो सकता है ना निगेटिव हो सकता है, तो पॉजिटिव वालों को हमने फर्दर तोड़ने का प्रयास किया, हमने इसे फर्दर समझने का प्रयास किया, और कैसे इस चीज को समझे ये भी आप अच्छे से समझ लो, कैसे समझे ये भी अच्छा समझ लो। पॉजिटिव इंटीजर को हम किससे, देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और इंटीजर तो जीरो भी है, जीरो इंटीजर तो है ही है। अब ये बात अलग है कि पॉजिटिव है निगेटिव है, ये डिफरेंट अलग चीज है इंटीजर। तो जब हमने एक से, जीरो छोड़ के जब एक से स्टार्ट किया, जिसे हम ऐसे लिखे 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखते चले गए, तो हमारा क्या बन गया, एक समूह बन गया, हमारा क्या बन गया, एक समूह बन गया, और इस समूह को मैंने क्या बोल दिया, इस समूह को बोल दिया मैंने प्राकृतिक संख्याएं, क्या बोल दिया, प्राकृतिक संख्याएं, क्या बोल दिया, प्राकृतिक संख्याएं बोल दिया, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसे, इसे आप नेचुरल नंबर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, नेचुरल नंबर बोल सकते हो, नेचुरल नंबर्स बोल सकते हो। और अगर मैंने जीरो को भी इंक्लूड कर लिया, ये जीरो था, ये जीरो था, और ये ऐसे समझो, इस जीरो को भी मैं इंक्लूड कर लूं, इस जीरो को भी मैं इंक्लूड कर लूं, और इस एक से लेके संख्या को भी इंक्लूड कर लूं, तो ये दोनों ही मिलके क्या देते हैं, एक नई संख्या देते हैं, जो कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता चला जाएगा, और इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, इन्हें हम लोग पूर्ण संख्याएं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं बोलेंगे, या क्या बोलोगे, होल नंबर, क्या बोलोगे, होल नंबर बोलोगे। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है, तो एक क्वेश्चन, अगर यहां तक क्लियर है चीजें तो एक क्वेश्चन आपसे, क्या 4 इच, 4 क्या है, ए पूर्ण संख्या, बी प्राकृतिक संख्या, 4 क्या है, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या, इसका उत्तर बताओ, 4 क्या है, प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या। बहुत इंटरेस्टिंग है मैथ, बहुत ज्यादा, अगर आपको समझ में आने लग गया तो शायद इससे ज्यादा रोचक विषय कोई नहीं है, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई नहीं है। और यकीन मानो, अगर ये एक बार आपको मैथ से प्यार हो गया, तो ये एकमात्र, इस पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा, चाहे इसे वस्तु बोल लो, चाहे इसे प्रॉपर्टी बोल लो, चाहे इसे जीवित व्यक्ति बोल लो, ये एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको कभी धोखा नहीं देगी, कभी धोखा नहीं देगी। कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाए, कितनी भी कठिनाई आ जाए, आपको एक बार गणित से प्रेम हो गया तो गणित कभी धोखा नहीं देगी। बच्चे बोल रहे हैं, दोनों है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बी है, होल नंबर है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं दोनों है, अनुपम जी मानसी जी का कहना है दोनों ही है, एकता जी कह रही है नेचुरल नंबर है, वेरी गुड, और बाकी लोग भी बोलते रहो, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं कि दोनों है, मैक्सिमम बच्चे क्या बोल रहे हैं, दोनों है। अब मैं आपको फिर से बताऊं कि ये प्रश्न ही गलत है, ये क्या है, प्रश्न गलत है। आप बोलोगे सर प्रश्न में तो कोई कमी नहीं है, प्रश्न में कोई कमी नहीं है आप बोलोगे, लेकिन मैं बोलूंगा कमी है, कमी है, क्यों कमी है, व्हाट्सएप पे बन जाएगा, परेशान मत हो प्रियांशु जी, ठीक है, और स्टैटिक जीके की पीडीएफ भी आपको ऐप पे ही अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। प्राकृतिक, मैं क्या पूछ रहा हूं कि 4 क्या है, तो इस चीज का उत्तर समझने के लिए फिर से पीछे आते हैं, मैंने क्या लिखा, जब मैं ये आपको पढ़ा रहा था तो इसको बोला प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, जिसे किससे डिनोट किए, एन से डिनोट किए,
प्राकृतिक संख्याएं, क्या बोला, संख्याएं, नंबर्स, नॉट अ सिंगुलर, इट्स अ प्लूरल, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, मैंने इसे प्लूरल बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि जब भी आप प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या को परिभाषित करते हो तो आप क्या कहते हो, प्राकृतिक संख्याएं को परिभाषित करोगे तो बोलोगे एक से शुरू होने वाले संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। फिर से गौर करना, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं संख्याओं का समूह, क्या कह रहे हैं, संख्याओं का समूह, हम ग्रुप ऑफ नंबर्स बोल रहे हैं, संख्याओं का समूह बोल रहे हैं। कहां से, एक से प्रारंभ होने वाले, एक से प्रारंभ होने वाले संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल बोलते हैं। और अगर हम ऐसी संख्याओं का समूह, ऐसी संख्याओं का समूह जो जीरो से प्रारंभ हो, जो जीरो से प्रारंभ हो, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें होल नंबर बोलते हैं। तो ये एक अंक पूछना कि ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, ये गलत है, ये नहीं पूछा जा सकता, नहीं पूछा गया है। ये क्या है, ये ग्रुप संख्याओं के समूह, नेचुरल नंबर, होल नंबर, क्या बोलता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर एक संख्याओं का समूह बताता है, सेट बताता है, जिसे आप किससे डिनोट करते हो, इससे डिनोट करते हो। और ये क्या होते हैं, ये सेट होते हैं, ये आप सेट थ्योरी में पढ़े होंगे, जो हायर मैथ्स पढ़े होंगे उन्हें पता होगा। ये क्या है, ये सेट है, ना कि एक कोई एलिमेंट है, ना ही कोई ये कोई क्या है, चार अंक है नेचुरल नंबर, और हम होल नंबर उसे नहीं बोल सकते। समझ में आ गया, गलती तो नहीं होगी, तो चलो ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रश्न गलत हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या भी पता हो गई और पूर्ण संख्या भी पता हो गई। प्राकृतिक संख्या को एक नाम हम लोग और देते हैं, जिसे बोलते हैं काउंटिंग नंबर। क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर बोलते हैं, क्योंकि हम शुरुआत किससे करते हैं, एक से। किस काउंट करो, क्या करते हो, एक दो तीन चार पांच छह, कभी जीरो से काउंट करते हो, जीरो वन टू थ्री फोर ऐसे काउंट करते हो। जीरो इज नॉट अ काउंटिंग नंबर, जीरो नंबर विल नेवर बी इंक्लूडेड इन काउंटिंग नंबर, इसे कभी भी काउंटिंग नंबर के प्राकृतिक संख्या के समूह में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जीरो क्या है, जीरो उस समूह से अलग है, ये काउंटिंग नंबर नहीं है। काउंटिंग नंबर क्योंकि एक से प्रारंभ होता है, इसलिए प्राकृतिक संख्याओं को भी हम क्या बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर बोल सकते हैं। क्लियर, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इस चीज को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये सारी ही चीजें, हमने जो इंटीजर्स को तोड़ा, हमने जो इंटीजर्स को तोड़ा वो सारी ही किस फॉर्म में तोड़ा, पॉजिटिव इंटीजर्स को तोड़ा, या जीरो को भी हमने इंक्लूड कर लिया। लेकिन निगेटिव इंटीजर की हमने चर्चा की क्या, पिछले एक घंटे में केवल मैं चिल्लाए जा रहा हूं और ये मुंह उठा के केवल देखे जा रहा है कि मेरी बारी कब आएगी, मुझे कब क्लासिफाई किया जाएगा। क्या इसका भी कोई क्लासिफिकेशन है, क्या प्राकृतिक संख्या कभी ऋणात्मक हो सकती है, खुद से प्रश्न करो। क्या आपने नेचुरल नंबर्स को कभी माइनस में देखा है, नहीं देखा। क्या आपने पूर्ण संख्याओं को कभी माइनस में देखा है, नहीं देखा। क्या आपने जीरो को कभी माइनस में देखा है, नहीं देखा। तो नेगेटिव नंबर्स के साथ इतनी जाते क्यों, उसको वो भाव क्यों नहीं मिल रहा है जो बाकी को मिल रहा है, बाकी को क्लासिफाई कर दिया गया। और इसका लटका हुआ मुंह देख के ही कुछ साइंटिस्ट लोगों ने, कुछ गणितज्ञ लोगों ने बोला कि बच्चा परेशान मत हो, आपका भी मैं एक तरीका निकाल देता हूं, आप खुश तो रहोगे। एक क्लासिफिकेशन में ऐसा कर देता हूं जिसमें आपकी भी औकात हो जाएगी, आपको भी पूछ लिया जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यहीं से तोड़ा, नीचे से नहीं, उन्होंने कहां से तोड़ा, ध्यान देना, यहीं से तोड़ा। ये दूसरा क्लासिफिकेशन क्या किए, यहां ले आए, और इस क्लासिफिकेशन को क्या बोले, एक को बोले सम और एक को बोले विषम। क्या बोले, एक को बोले सम, एक को बोले विषम। सम मतलब इवन नंबर, सम मतलब इवन नंबर, जिसे दो हुआ, चार हुआ, छह हुआ। विषम मतलब एक हुआ, तीन हुआ, पांच। क्या सम संख्या ऋणात्मक हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि इसी का तो ही अल्टरनेटिव है,
इसी का ही तो अल्टरनेटिव है, मतलब -2 -4 -6 भी सम संख्या है, -1 -3 -5 भी क्या है सम संख्या। अगर मैं आपसे यह पूछ लेता क्या -2 सम संख्या है, या पूछ लेता सम संख्या ऋणात्मक हो सकती है, तो शायद आप क्लियर ना होते, शायद आप एक गेस में उत्तर दे रहे होते, लेकिन चलो मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपकी ऋणात्मक संख्या होती है वो भी सम और विषम हो सकती हैं, वो भी क्या है, क्योंकि हमने इसे अलग से ही क्लासिफाई किया है, क्योंकि ये मोफला के बैठा हुआ था, मोफला के क्या हुआ था, बैठा हुआ था, हमने इसे इंक्लूड कर लिया। लेकिन सम विषम समझने से पहले कुछ तो हमें समझ जाना चाहिए, क्या समझ जाना चाहिए, हाँ ये समझ जाना चाहिए, चलो यही पे बता देना, सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर्स क्या होती है, ऐसी संख्याएं सम संख्या, ठीक इवन नंबर, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो वह क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है, और ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, विभाजित मतलब डिविजिबल, 2 से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है, और ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो वो क्या कहलाती है, वो विषम संख्या कहलाती है। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, अगर ये परिभाषा सही है तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, क्या देखते जाओ प्रश्न क्या है, प्रश्न है जीरो क्या है, जीरो की, ये जीरो बहुत दिमाग खराब कर रखा है, सम या विषम, जीरो क्या है, सम या विषम, सबसे छोटी सम संख्या को 2 क्यों लिखा है बुक्स में, हां बताएंगे, बताएंगे आशीष जी, वो भी बताएंगे। बस आप इतना समझो कि जब हम किसी चीज को क्या बोलते हैं, सबसे छोटी या सबसे बड़ी, तब हम काउंटिंग की बात करते हैं। वैसे सबसे छोटी सम संख्या 2 नहीं लिखा हुआ, किसी किताब में लिखा है तो वो गलत है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी, उसका उत्तर क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, और सबसे बड़ी सम संख्या भी नॉट डिफाइंड है, सबसे छोटी विषम संख्या भी नॉट डिफाइंड है, सबसे बड़ी विषम संख्या भी नॉट डिफाइंड है, ऐसी जिस किताब में है वो गलत है, ठीक। हालांकि कई बार जब हम औसत पढ़ रहे होते हैं या कोई और चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में काउंटिंग नंबर्स रहता है, क्योंकि हम वहां पे काउंट कर रहे होते हैं, इस कारण से हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में से प्रश्नों का चयन कर रहे होते हैं, उसको मैं आपको अलग से बताऊंगा। जीरो इवन है, न सम है न विषम है, कुछ बच्चे बता रहे हैं, वेरी गुड, और कोई जीरो क्या है, सम है या विषम, इवन और ऑड, जीरो क्या है, सम है या विषम, ना सम ना विषम, और कोई बताओ, जब बताओगे नहीं तो कैसे जानूंगा, जीरो क्या है, समय बहुत कम है हमारे पास, नेक्स्ट क्लास लगी हुई है, अभी तो क्लासिफिकेशन पूरा बचा हुआ है। चलो जीरो क्या है, जीरो सम संख्या है, जीरो क्या है, जीरो सम संख्या है, क्या है, जीरो सम संख्या है। अब बोलोगे क्यों, जीरो इवन नंबर है, क्यों जीरो इवन नंबर है, क्योंकि जीरो 2 से डिविजिबल है, कैसे डिविजिबल है, जीरो को 2 से भाग दो, 2 जरी हम जीरो, क्या आया, नीचे कट्टम आया, और अगर कट्टम आ जाता है तो हम क्या बोल देते हैं कि डिविजिबल है, भाई जीरो बार जा तो रहा है, और अगर हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यह इवन नंबर हो जाएगा, यानी 2 क्या है, डिविजिबल। तो ऐसे बोलोगे सर जीरो तो फिर विषम नंबर भी है, जीरो तो विषम भी नंबर भी है, जीरो को हम 3 से डिवाइड करेंगे, जीरो को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 जीरो जीरो, ये कट्टम आ गया, 3 से डिविजिबल हो गया तो विषम भी हो जाना चाहिए, ये सानू इस हिसाब से तो जीरो विषम भी होना चाहिए, आई एम राइट और नॉट, बताएं, इस हिसाब से जीरो विषम भी होना चाहिए, लेकिन समझना जीरो क्या है भाई, हमने ये कब बोला कि
कि सम और विषम निर्धारित करने के लिए या विषम निर्धारित करने के लिए हम तीन से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ये हमारे दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन होता है, हम पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में एक गलत धारणा बैठ जाती है कि जब हम सम संख्या निकालते हैं तो वो सम से ही डिविजिबल होती है, जब हम विषम निकालते हैं तो वो विषम से डिविजिबल होनी चाहिए। लेकिन नहीं, हमने परिभाषा में बोला कि दो से विभाजित ना हो, वो दुनिया भर में किसी, हाँ बहुत बढ़िया आशीष जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। दुनिया में वो क्या बोला जाए कि भाई ये तो नहीं बोला कि किससे डिविजिबल हो, वो तो बस परिभाषा में ये कह रहा है कि दो से डिविजिबल ना हो, दो से डिविजिबल ना हो, वो दुनिया में किसी भी संख्या से, आम, इमली, संतरा, किसी से भी डिविजिबल हो, हमें उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो बस ये देखेंगे दो से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, और अगर दो से डिविजिबल हो रहा है तो वो सम है, दो से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो विषम है। तो ये हम अपने दिमाग में जो हमारे दिमाग में धारणा आती है उसको यहां पे क्लियर करते हैं कि हम ऑड नंबर को चेक करने के लिए कभी भी ऑड नंबर से डिवाइड नहीं करते, हम दो से डिविजिबिलिटी ही चेक करते हैं और ये चाहते हैं कि ये दो से डिवाइड ना हो पाए, कोई रिमाइंडर बच जाए, कोई शेष बच जाए, ये हम चाहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दो क्या हो जाएगा, दो एक सम संख्या हो जाएगी, दो क्या हो जाएगी, दो एक सम संख्या हो जाएगी, सॉरी जीरो एक सम, दो कह रहा हूं, जीरो क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी, क्लियर। तो यहां पे क्या हो जाएगी, हम इसमें जीरो को भी क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड कर लेंगे, जीरो को भी इसमें क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, इस बात को समझना, विषम में इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये रही आपकी आज की, इतना मैं चीजें आपको बता दिया, कुछ चीजें और भी बची हैं। अब मैं प्राकृतिक संख्या को डिवाइड करूंगा फर्दर, तो यहां से मैं कल स्टार्ट करूंगा और कल ही आपको काल्पनिक संख्या भी बताऊंगा, इसी को ही लगा के मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसी के आगे ही कंटिन्यू करेंगे। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बता दो, किसी को भी कोई भी समस्या हो तो एक बार मुझे बता दो, बताए किसी को कोई समस्या है तक, बताओ, ऐप से जो नोट्स दिए हैं ऐसे नोट्स किस ऐप पर नहीं मिले, मजा आ गया नोट्स देख के, पहली बार सर आपसे, जी आशीष जी बहुत बहुत आभार। मैं एक चीज का आश्वासन आप सभी को दिलाता हूं कि परीक्षा प्लस न्यूनतम फीस में उच्चतम गुणवत्ता देने का प्रयास करता है और हम करते भी हैं। हाँ ये बात बहुत फैक्ट है, हम अभी बहुत छोटे हैं, उसका कारण भी है हम बहुत नए हैं और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन परीक्षा प्लस के आगे शायद कोई नहीं खड़ा होगा, और ये हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं, अपनी मेहनत के बल पे कहते हैं, अपने टैलेंट के बल पे कहते हैं। मैं आपको खुद बता दूं, आईआईटीएन नहीं बन पाया, केवल 12 नंबर से रुका, एआई ट्रिपल ई में 13,000 रैंक, टॉप एनआईटी से मैं किया बीटेक, उसके बाद आईआईटी रुड़की से एमटेक करके सब जॉब, टीसीएस का जॉब छोड़ के, बैंक का जॉब छोड़ के आपके सामने केवल अपने आप को प्रूफ करने में लगा हूं। और ऐसे ही आशीष सर हैं, ऐसे ही सारे टीचर हैं, हर टीचर कहीं ना कहीं या तो जॉब छोड़ के आया और बहुत ही उच्च जगह से आया है, आईआईटी आईएम ये फैकल्टीज आपके पास है, हाँ, बट जो क्वालिटी इतने कम फीस में हम दे देंगे शायद कोई नहीं दे पाएगा, इस बात का मैं हमेशा गारंटी लेता हूं। कोई कितना भी मेहनत कर लेगा बराबर नहीं आने दूंगा, उससे एक कदम आगे चला जाऊंगा, आप लोग की सेवा में सदैव हाजिर रहूंगा। चलिए बाकी सारी चीजें लगी रहेंगी, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, हाँ मानसी जी, मैं जीएस वाले में बोला था, जीएस वाले पार्ट में ध्यान दीजिएगा, मैं ग्रुप सी वाले में भी नोट्स लगवा दिया हूं, ग्रुप डी वालों को तो जो राम वाली पीडीएफ लगी है जीएस वाली वही मोर देन सफिशियंट है। ग्रुप सी वाले में मैं जो दो दो पेज की बात किया था वो जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट की बात किया था, जनरल अवेयरनेस जीए वाले पार्ट की है ना, बाकी आप कन्वेंशनल तो जैसे टॉपिक चलेगा वो पढ़ते जाना। जनरल अवेयरनेस में दो पीडीएफ है, पार्ट वन और पार्ट टू, इन दोनों में से पहले पार्ट वन को उठा लो, आप दो दो पेज पढ़ते जाओ, तीन तीन पेज, और ऐसे फिर इसे खत्म कर लो, कुल मिला के ये करीबन 35 से 40 पेज की पीडीएफ होगी, और ऐसे ही 35 से 40 पेज की पीडीएफ होगी, टोटल मिला के 80 पीडीएफ होगी, 80 पेज की दोनों मिला के पीडीएफ होगी। इस पीडीएफ की बात किया था क्योंकि ये आपको क्लास में कराया तो जाएगा बट ये बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता, इसे रटने की आवश्यकता, ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार, मन से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने मित्रों को भी संस्था के साथ जोड़ते रहिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ सकें और अधिक से अधिक बच्चों का हम लोग सेवा कर पाए। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि सभी का।